In free body diagrams, basically these are the diagrams which are free of body. मतलब इन डायग्राम्स में बॉडी नहीं होती, बस क्या होती हैं, फोर्स के डायरेक्शंस होते हैं कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है. तो बड़ा सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम मैं अभी लूँगा और मैं कुछ एक फ्री बॉडी डायग्राम्स लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले है एक फ्री बॉडी डायग्राम का अ ब्लॉक लाइंग ऑन सरफेस. एक ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा हुआ है. दिस इज वुडन ब्लॉक, कैसा भी ब्लॉक ये हो सकता है, ये सरफेस पे रखा हुआ है. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब बॉडी नहीं होनी चाहिए, बस फोर्सेस के डायरेक्शन दिखाने हैं आपको. तो देखिए सबसे पहला फोर्स क्या है इसमें, कि ये ब्लॉक जहाँ भी जिस भी सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस पे ये कुछ फोर्स लगा रहा है. अब वो जो ये फोर्स लगा रहा है वो किस वजह से लगा रहा है, वो ये जो फोर्स लगा रहा है वो अपने वेट की वजह से लगा रहा है, अपने वजन की वजह से ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है. तो जो जो फोर्स का जो वेट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नीचे. W W इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी. क्या समझ में आ गई बात, ठीक है. अच्छा तो इसने फोर्स लगाया किस पे, अर्थ पे, नीचे की तरफ. और अर्थ जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो यहाँ भी तो एप्लीकेबल होगा कि अर्थ पे फोर्स इसने लगाया तो अर्थ भी तो इस पे फोर्स लगाएगी. किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. और वो डायरेक्शन क्या होगा, ये. और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है. तो आर क्या है यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. R is normal reaction force by earth. मतलब कि उसने action किया था अपना weight डाल के. Weight पहला काम क्या है, action किसने किया, इसने किया. Newton's third law completely follow हो रही है यहाँ. और reaction किसने किया, earth. क्या समझ में आ गई बात. तो ये free body diagrams होते हैं जहाँ body की कोई role नहीं होता, बस forces बनी हुई होती हैं. चलिए एक और डायग्राम ले लेते हैं. ब्लॉक इज स्लाइडिंग फॉरवर्ड, मतलब कि कोई ब्लॉक है, अब यहां पे कुछ और फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी. दिस इज ए ब्लॉक, अब इस पे कुछ फोर्सेस और भी इन्वॉल्व होने वाली हैं. वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? अब ये फोर्स जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो देखिए कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं. एक फोर्स तो ये हो गई इसके वेट की वजह से, दैट इज एम जी, ठीक है. और एक फोर्स हो गई किस पे, जितना इस पे फोर्स लग रही है वेट की वजह से, वो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही है. हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है. एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा. अच्छा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मौजूद है, वो फोर्स कौन सी है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स. कोई भी बॉडी जब आगे बढ़ने शुरू करना चाहती है तो पीछे एक फोर्स उसको खींचती है, कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स. क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ, ठीक है. तो ये कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं, जो लगते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एक और फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम कोई पर्सन, अब ये इंपॉर्टेंट है और फ्री बॉडी डायग्राम सीखने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं आए तो आप फोर्सेस का डायरेक्शन ना तो 11th में निकाल पाएंगे और ना ही 12th क्लास में निकाल पाएंगे. तो देखिए थर्ड में बना रहा हूं, दैट इज अ पर्सन इज मूविंग. ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को. अब देखिए कि क्या होगा इस कंडीशन में. देखिए कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल दिस, और ये भाई साहब इधर चल रहे हैं, मतलब आगे की तरफ ये जा रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ जाना चाहते हैं ये. तो आगे की तरफ ये जो जाना चाहते हैं, अब सबसे पहला काम ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे. लेकिन अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है,
अपने वेट की वजह से जो ये फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, क्या वो नीचे की तरफ है? नीचे तो डायरेक्शन तब होगा जब आप खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूं तो सोचो जरा कि क्या हो रहा है। फील करिए अपने फीट के मोशन को कि वो जो लास्ट टाइम एक्शन कर रहे हैं, मतलब जब आपका फीट एक अर्थ से उठने ही वाला होता है तो वो फोर्स कहाँ लगाता है अपने पंजों की हेल्प से, वो फोर्स कुछ इस तरह से लगा रहा है। ये आपका फीट है, ये ऐसे ही तो आगे उठता है, इस तरह से आगे उठता है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है, जो लास्ट में फोर्स लग रहा है, वो किस तरफ लग रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स, ये इस तरफ फोर्स लग रहा है। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दिस इज ए मैन, ये कोई मैन है, किस तरफ फोर्स लगा रहा है? इस तरफ, नीचे नहीं लगा रहा, नीचे ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है ड्यू टू वेट, वेट की वजह से। अच्छा, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ लगना चाहिए? तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, जहां पे फोर्स लगाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा इसकी वजह से। अब देखिए एक चीज कि पीछे की तरफ क्या लग रहा है, पीछे की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की तरफ क्या है? वेट है। फोर्स कहाँ लगाया? इस तरफ से। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए, इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, एक ये और एक ये दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये जो दो डायरेक्शन है ये कैसे बनेंगे, कौन सा एंगल कॉस थीटा होगा और कौन सा एंगल साइन थीटा होगा, यहाँ देखना जरूरी है। तो देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल बना था, ये फोर्स का एंगल बना था, दिस वॉज एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला अगर एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल अगेन थीटा हो गया, तो इसको आपने रिजॉल्व किया आर कॉस थीटा, ये क्या हो गया? आर साइन थीटा। अब बात देखना कि ये जो आर कॉस थीटा है, ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में है? ये डब्ल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन आर साइन थीटा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। और अगर आर साइन थीटा ग्रेटर देन होता है फ्रिक्शनल फोर्स के, तो इसका मतलब है ये पर्सन आगे बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब किसी भी पर्सन का जो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? दैट इज ड्यू टू आर साइन थीटा, वो आर साइन थीटा की वजह से हो रहा है। क्या क्लियर हो गई बात? क्या समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसके बाद एक और फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको हम नाम देते हैं क्या? हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए, कार्ट, ये कार्ट है, मतलब कोई बग्गी है, और यहाँ पे स्ट्रिंग से, क्या है ये? स्ट्रिंग, या आप कह लें रस्सी है, रस्सी की हेल्प से ये हॉर्स से बंधी हुई है। दिस इज हॉर्स, ये हॉर्स से बंधी हुई है। कार्ट में व्हील लगे हुए हैं, कार्ट का अपना कुछ मास है कैपिटल एम, ठीक है, और क्या है ये हॉर्स, इसको पुल करेगा। अब जब ये हॉर्स इसको पुल करेगा, तो उस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए देखिए, हॉर्स जो फोर्स डालेगा अर्थ पे, वो इस डायरेक्शन में डालेगा, दिस इज द फोर्स। ये वेट जो हो गया उसका नीचे हो गया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ हो गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, हॉर्स का डायरेक्शन क्या है? हॉर्स का डायरेक्शन ये है, दिस इज एच, डायरेक्शन ये हो गया हॉर्स का। अब पहला चीज देखिए, ये तो बात हुई हॉर्स की, ठीक है, हॉर्स का जो मास है वो क्या हो गया? स्मॉल एम इंटू जी, तो स्मॉल एम मास है उसका। अब एक चीज देखिए कि हॉर्स जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उससे अटैच्ड है क्या? स्ट्रिंग या रोप,
उससे अटैच्ड है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उसके फोर्स की वजह से जो पीछे रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी पे तनाव आने लग जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हॉर्स जब आगे बढ़ा, मतलब हॉर्स का एक्शन क्या था, आगे बढ़ना, तो हॉर्स ने जब फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो रस्सी पे तनाव आया, तो इसका मतलब है रस्सी में कुछ रिएक्शन हुआ। वो रिएक्शन किसकी वजह से हुआ है, वो जो रोप है या वो जो स्ट्रिंग है, वो उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स पहले कुछ इस तरह से थे, ये थे। तो जैसे ही फोर्स इन पे इस डायरेक्शन में लगी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल इस तरफ खींचना शुरू किया, तो इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस वाले मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ऐसे खींचा, इस तरफ खींचा। तो फोर्स तो आपने इधर लगाई, लेकिन इस जो रस्सी पे जो खिंचाव हुआ, जो तनाव जो आया, वो तनाव किस तरफ आया, वो इस तरफ आया। टेंशन किस तरफ आया, इस तरफ आया। क्या समझ में आगे बात, क्या क्लियर हुआ? अच्छा, ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया। अब ये टेंशन आगे पहुंचता गया, यहां पे कार्ट है। अब कार्ट तक ये टेंशन पहुंचा, कार्ट तक ये टेंशन पहुंचा, तो हुआ ये कि कार्ट पे जब फोर्स लगा तो कार्ट अभी रुकी हुई है, ठीक है। और इस टेंशन की वजह से जब इस पे फोर्स लगा तो कार्ट ने इस रस्सी को अपनी तरफ खींचा। क्यों खींचा, अभी रुकी हुई है, ये रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ही रहना चाहती है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ये रेस्ट पे ही रहना चाहती है। तो कार्ट ने भी इस पे कहाँ फोर्स लगाया, इस तरफ, ये आगे जाना ही नहीं चाहती अभी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स, ये कार्ट का जो टेंशन है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में टेंशन कहाँ बना, मॉलिक्यूल्स में अगेन एक और डायरेक्शन बना टेंशन का, वो है ये। तो टेंशन के दो डायरेक्शन, एक हॉर्स के पुल होने की वजह से, सॉरी, हॉर्स के पुल करने की वजह से एक टेंशन का डायरेक्शन बना है, और दूसरा कार्ट के इनर्शिया की वजह से डायरेक्शन बना है। और इनर्शिया उसमें आया कहाँ से, एक तो ये फ्रिक्शन की वजह से आया। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। ये दोनों टेंशन क्लियर होने चाहिए कि वो टेंशन आए कैसे। पहले तो हॉर्स ने पुल किया तो मॉलिक्यूल्स ने अपोज किया, वो खींच रहे हैं, तो इस वजह से टेंशन बना। टेंशन आगे बढ़ता गया, अब इस टेंशन की वजह से इन्होंने कार्ट को पुल करने की कोशिश की। कार्ट को जब पुल करने की कोशिश की तो कार्ट अभी इनर्शिया स्टेट में, रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो कार्ट ने रस्सी को वापस से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और तो कार्ट ने क्या किया, एक्शन किया। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि रस्सी ने इस डायरेक्शन में टेंशन लगाया और उसको पुल करना शुरू कर दिया। ये पूरा इस तरह से काम करता है। जब भी किसी रस्सी को आप बांधें, एक ब्लॉक से बांध लीजिए, एक हैवी चेयर से बांध लीजिए और उसको खींचने की कोशिश कीजिए, तो पहला एक्शन आप क्या कर रहे हैं, आप रस्सी पे लगा रहे हैं, उस रोप पे लगा रहे हैं। उस रोप पे जब लगाएंगे तो होगा क्या, उस रोप के मॉलिक्यूल्स अपोज करेंगे आपके एक्शन का, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन पैदा करेंगे। आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर, वो टेंशन कहाँ लगाएंगे, इस तरफ। वो टेंशन आगे बढ़ती जाएगी, वो चेयर को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेयर कहाँ है, इनर्शिया में है, वो रुकी हुई है और रुके हुए रहना चाहती है, तो वो उस रोप को कहाँ पुल करेगी, अपनी तरफ। टेंशन उसकी वजह से कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ। ये है हॉर्स एंड कार्ट इशू, यहाँ ये बनता है इस तरह से। क्या क्लियर होगी बात, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है इसको। तो देखिए, जो आपके पास फोर्सेस गिवन हैं, उन फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए, और फोर्सेस को इक्वेट करके आप इक्वेशंस बना लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन बनाता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली हम बनाएंगे। वो देखिए, वो इक्वेशन कैसी बनेगी, हॉर्स ने फोर्स लगाई किस पे, रोप पे फोर्स लगाई और टेंशन इस डायरेक्शन में हुआ। अब हॉर्स तो मूव करने लगा आगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, हॉर्स का मास एम है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो जो एफ नेट लग रही है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस टी। मैं इस वाले टर्म को अच्छे से अभी एक्सप्लेन करता हूँ। नेट फोर्स का क्या मतलब होता है, देखिए आपके पास एक टेबल है, एक टेबल पे राइट साइड से आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 न्यूटन की, और आपका फ्रेंड उस डायरेक्शन से लेफ्ट साइड से आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4 न्यूटन की, तो दोनों फोर्सेस अलग अलग है, ठीक है।
तो 7 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हैं, मतलब ज्यादा ताकत से फोर्स आप लगा रहे हैं, तो वो टेबल उस डायरेक्शन में खिसक जाएगी। कितने फोर्स से वो खिसकेगी? क्या वो 7 न्यूटन की फोर्स से खिसकेगी? नहीं, उन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हो गई 7 न्यूटन की फोर्स, ये हो गई 4 न्यूटन की फोर्स। तो ये जो आगे जाएगी, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 7 माइनस 4। ये समझने वाली बात है। ज्यादा फोर्स जहां जिस डायरेक्शन में टेबल चल पड़ी है, उस डायरेक्शन की फोर्स में से हम उसको माइनस कर देते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो देखिए, हॉर्स कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। तो हॉर्स ने जो फोर्स लगाई एच में से हमने माइनस कर दिया किसको? टेंशन को। टेंशन उसको पीछे खींच रहा था। तो एक इक्वेशन ये बन गई। तो यहां पे एफ नेट इज इक्वल टू एच माइनस टी, और एफ नेट की वैल्यू लिख लिया आपने मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एच माइनस टी, इसको वन दे दिया। अब बात करते हैं कार्ट की। हॉर्स की बात हो गई, अब कार्ट की बात करेंगे। कार्ट का मास ज्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब टेंशन इस डायरेक्शन में लगी, तो उस कंडीशन में टेंशन की वजह से कार्ट आगे मूव करने लगी, फाइनली मूव करने लगी है। तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स लगी है एफ नेट, मैं कार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज टेंशन। और ये कार्ट किस वजह से यहां पे रुकी हुई थी? ये फ्रिक्शन की वजह से रुकी हुई थी। तो टी माइनस एफ। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए एफ नेट, अब एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ नेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कैपिटल एम मास है कार्ट का, इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी माइनस एफ, इसको नंबर दे दिया 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ऐड 1 एंड 2, सो एम ए प्लस एम ए इज इक्वल टू एच माइनस टी प्लस टी माइनस एफ। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्सेलरेशन कॉमन लिया, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू एच माइनस एफ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम। ये कंप्लीट एक्सेलरेशन आएगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं। हमेशा याद रखना कि ऐसे जब भी दो इक्वेशंस बनेंगी, उसमें से एक्सेलरेशन निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और अगर उसमें से टेंशन निकालनी हो तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से देख लीजिएगा, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ना सिर्फ 11th में बल्कि 12th में भी होंगे।